देखो बेटा, न्यूमेरिकल नंबर, एक्सक्यूज मी, 10। ध्यान दो बेटा, स्टेटमेंट पढ़ो। ए पीस ऑफ आइस जिसका मास है m, उसका इनिशियल टेम्परेचर है आइस दा ना, पीस ऑफ आइस दा, -5 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आइस है बेटा, -5 डिग्री सेल्सियस मास एम है। उन जदों इसनों 420 जूल ऑफ हीट मिली, इट इज गिवन 420 जूल ऑफ हीट सो दैट आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। फाइनली व्हेन द आइस वाटर मिक्सचर इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ आइस हैज मेल्टेड। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो अदर हीट एक्सचेंज इन द प्रोसेस, द वैल्यू ऑफ एम इज। देखियो बेटा, हम थानू गिवन की है, देखिए हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 2100 जूल पर केजी। उन्हें गल सुना पुत्र, हीट कैपेसिटी स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि यूनिट के अकॉर्डिंगली ये है स्पेसिफिक हीट। इन्हें करेक्ट करो, है ना, गलत लिखता, क्योंकि हीट कैपेसिटी था ही हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर होता ना, वो जूल पर डिग्री सेल्सियस होना, केजी नहीं सी आना ना, तो ये स्पेसिफिक हीट है, वो गलत है, उन्हें ठीक करो। एंड लेटेंट हीट दैट इज गिवन टू बी, हुण देखो बेटा ध्यान दियो, हुण एक गल बड़ी क्लियर है कि जदों भी ये पीस ऑफ आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सब तो पहला वो हीट का कुछ पार्ट था ना, हुण गल नूं ध्यान नाल सुनियो, वो सारी दी सारी आइस दे टेम्परेचर नूं -5 तो 0 तक लैके जाएगा, ठीक है। उस तो बाद आइस दी मेल्टिंग स्टार्ट होनी है पुत्र, तो इदां नहीं होना कि थोड़ी जी आइस है जिहड़ी उदा टेम्परेचर 0 हो के मेल्ट होनी शुरू हो जाए, बाकी दा -5 ही रहे, इदा नहीं होना। तो पहला सिस्टम दा टेम्परेचर चेंज होएगा, फिर स्टेट चेंज होनी है। तो टेम्परेचर चेंज दे दौरान स्टेट नहीं चेंज होनी, स्टेट चेंज दे दौरान टेम्परेचर नहीं चेंज होना ना, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो इदा मतलब हुण आ जिहड़ी आइस है ना, पीस ऑफ आइस है, इहनूं जिहड़ी हीट मिल रही है शुरू च, पहला तो पूरी दी पूरी एम आइस नूं, जिहड़ा मतलब आइस पीस दा मास एम मन्निया ना, इस पूरे मास दे टेम्परेचर नूं -5 तो 0 करेगा। तो इहदा मतलब एम सी आई है ना, सी आई की स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना बेटा, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा दी वैल्यू इथे 5 होएगी, ठीक है, वैसे तो 5 डिग्री सेल्सियस होएगी ना। हुण प्लस जदों ये पूरी दी पूरी आइस दा टेम्परेचर 0 हो गया, हुण जिहड़ी एक्स्ट्रा हीट है वो इस आइस दे कुछ हिस्से नूं मेल्ट करना शुरू करेगी, और वो किन्ने नूं कर पाई है हीट जिहड़ी बाकी बची 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इंटू एल मास इंटू जिन्ना मेल्ट होया ना वो वाली हीट, तो क्यू इज इक्वल टू 420 जूल। एम निकालना वा, सी आई दी वैल्यू बेटा 2100 जूल पर केजी
ਇੰਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 5, ਤੋਂ ਆ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਆਪਸ ਚ, ਪਲੱਸ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ 420 ਜੂਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ 2100 ਐਮ ਜੂਲ ਪਰ ਕੇਜੀ ਪਲੱਸ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇਜੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਆ 5 ਵੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਬੇਟਾ, ਤੋ ਇੰਟੂ 5, ਤੋ ਇਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ 3.36 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 5, ਔਰ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੇਜੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 3 ਹੈ ਨਾ ਕੇਜੀ ਜੂਲ ਪਰ ਕੇਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ 420 ਜੂਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ, ਹੁਣ ਜੂਲ ਕਾਮਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਪਰ ਕੇਜੀ ਹੈ ਪਲੱਸ, ਇਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੋ ਇਹ ਹੈਗਾ 3.36 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 2, ਤੋ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ 420 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ 336, ਤੋ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 420 ਮਾਈਨਸ 336 ਓਵਰ 10,500 ਕੇਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਮ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਜੀ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 420 ਮਾਈਨਸ 336 ਬਾਏ 10,500 ਇੰਟੂ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮ ਦਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ